बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले पिछली कक्षाओं में हमने राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। इसकी परिभाषाओं के संबंध में परिभाषाओं को दो भागों में बांटा था, जिसमें परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण। जैसा कि इसकी परिभाषाओं के संबंध में गार्डनर ने कहा था कि राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने इसके लेखक हैं। तो परिभाषाओं के आधार पर राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा था, परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। उसी प्रकार आज राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला परंपरागत दृष्टिकोण है और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। जैसे कि हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उससे अभिप्राय है कि हम इसके अंतर्गत किस किस विषय सामग्री का अध्ययन करें। पहले जो इसका राजनीति विज्ञान का क्षेत्र था बहुत ही कम था, सीमित था, संकुचित था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय महायुद्ध के बाद में इसके क्षेत्र में लगातार वृद्धि होती गई। पहला पॉइंट परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान का क्षेत्र में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, मानव के राजनीतिक जीवन का, राजनीति विज्ञान में क्या किसका अध्ययन करना है, मानव के राजनीतिक जीवन का। मनुष्य जो है कि एक क्या है कि सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के अनेक पक्ष होते हैं, तो इन पक्षों में से केवल राजनीतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है राजनीति विज्ञान। मनुष्य ने राज्य का निर्माण, अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए किया है, व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य, व्यक्ति और राज्य से जो संबंध का अध्ययन करता है वो राजनीति विज्ञान है। इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है वो है राज्य का अध्ययन। तो फर्स्ट पॉइंट हमने मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान में, दूसरे पॉइंट में राज्य का अध्ययन। जो परंपरावादी थे उनके अनुसार जो राज्य है वो राजनीति विज्ञान की केंद्र बिंदु या धुरी है। कहने का मतलब है कि परंपरावादी राज्य को राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु या धुरी मानते हैं। इसमें राजनीति विज्ञान में हम राज्य के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन करते हैं कि राज्य की भूतकालीन स्थिति कैसी थी, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में कैसा होगा, कि भूतकाल में किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, वर्तमान में क्या है और भविष्य में किस प्रकार हो सकती है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें राज्य की उत्पत्ति, उसका वर्तमान अवस्था, उसका विकास किस प्रकार हुआ और भूतकाल से वर्तमान तक आने में उसमें क्या क्या परिवर्तन होते रहे, क्यों होते रहे, इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। तृतीय बिंदु में सरकार का अध्ययन। अब जो भी राज्य है, क्योंकि राज्य तो क्या है, एक अमूर्त है, तो जो भी उसकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, आदेश है,
उसकी पालना किसके द्वारा की जाएगी, उसके द्वारा पालना करवाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है, सरकार की उसकी जो इच्छाएं आकांक्षाएं उनको पूर्ण करती है। तो सरकार के अध्ययन में जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इसमें राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में सरकार का अध्ययन किया जाता है, राज्य के क्या क्या कार्य क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि यह राज्य के आवश्यक जो तत्व हैं उनमें से एक है। सरकार है उसके द्वारा ही जो ये राज्य है उसके कार्य क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी क्या इच्छा है, उसके क्या आदेश हैं, और यहाँ तक कि जो हम कहेंगे संप्रभुता राजा है को भी अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार जो राजनीति विज्ञान में सरकार के तीनों अंगों, सरकार के कार्य, संविधान का अध्ययन, सरकार के स्वरूप जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, अधिनायक तंत्र, लोकतंत्र, संघात्मक, एकात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक आदि शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। साथ ही शासन के जो निर्माण है उनमें क्या क्या सहायक तत्व हैं, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, प्रभाव समूह, जनमत आदि का इसमें अध्ययन किया जाता है। फोर्थ बिंदु जो आता है वो है स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। जब हमने इसमें मानव के राजनीतिक जीवन का कर लिया, राज्य का अध्ययन कर लिया, सरकार का अध्ययन कर लिया, तो इसके साथ में ही हम जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समस्या हैं उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। राजनीति विज्ञान स्थानीय, राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है इसका अध्ययन करता है, जिनमें जैसे कि स्थानीय समस्याओं के हल हेतु स्वशासी संस्थाएं, जिनमें ग्राम पंचायतें, नगर परिषदें आदि के संगठन तथा कार्यकलापों का अध्ययन। राष्ट्रीय स्तर पर हम लेंगे जो उनकी समस्याएं हैं, जिनमें सरकार का गठन, उसका स्वरूप, उसके प्रकार, कार्यप्रणाली, इनका अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय में जो पड़ोसी राज्य है उसके साथ किस प्रकार की क्या संधि है, किस प्रकार का व्यापार है या अन्य जो समझौते हैं उनके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो है राजनीतिक दर्शन व विचारधाराओं का विश्लेषण। आज इसमें जो भी राजनीतिक दर्शन है उस समय प्रचलित है, विचारधाराएं हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो भी विचारधाराएं हैं, उस तरह के जो मान्यताएं हैं, उनका इस पर किस पर राज्य व सरकार की प्रकृति या कार्य क्षेत्र में इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार की मान्यता है वहाँ पर, जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की हवा है, उस प्रकार से उस वहाँ के राज्य और वहाँ की सरकार का कार्य होता है। इसलिए इसमें जो राजनीतिक दर्शन है, उस समय का विचारधारा है, उनका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विचारधाराओं में जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, उग्र राष्ट्रवाद, उदारवाद, आदर्शवाद, साम्यवाद, गांधीवाद आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका जो छठा नंबर का बिंदु है वो है राजनीतिक दल और दबाव समूह का अध्ययन। तो राजनीतिक विज्ञान में हम राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह है, हित समूह है, प्रभाव समूह है, जो राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका अध्ययन भी इसमें करते हैं। वर्तमान में जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र है वो सबसे अधिक प्रचलित शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल है, दबाव समूह है, शासन की नीति और निर्माण को
ये अधिक प्रभावित करते हैं, तो इसलिए राजनीतिक दल और दबाव समूह का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो है लोक प्रशासन का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में अन्यों के साथ साथ इसमें लोग जो लोक प्रशासन है उसका भी अध्ययन किया जाता है कि सरकार का जो कार्य है उसका सफल संचालन है, जो सफल संचालन है कार्य करता है सरकार, तो उसके सफल संचालन में जो लोक प्रशासन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस कारण से इसमें लोक प्रशासन का भी अध्ययन होता है। अगला जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। विश्व के सभी देश हैं जो भी हैं, राज्य हो चाहे राष्ट्र हो चाहे एक दूसरे के साथ, उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक हो चाहे तकनीक हो, कूटनीति हो, हर प्रकार से किसी न किसी प्रकार का संबंध रखते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा पड़ोसी घर है तो उसे हमारे विभिन्न प्रकार से संबंध हो सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर प्रकार से। तो उसी प्रकार जो हमारा राज्य है या देश है उसके जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, उससे किसी न किसी प्रकार का संबंध होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कहा जाता है। तो राज्य के जो पारस्परिक संबंध है, इन जो राज्य के जो पारस्परिक संबंध है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, युद्ध, शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनयन, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि जो पक्ष हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। इसका जो अगले बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब हम राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका भी अध्ययन करना आवश्यक होता है या इसके विषय के अंतर्गत करते हैं। जो राज्य हैं उनकी मान्यता, राज्य के उत्तराधिकार, शांति, युद्ध, शांति हो या युद्ध हो, वो खुला समुद्र, तटस्थता, राज्यों के मध्य विवादों के समाधान आदि के लिए जो नियम या कानून की आवश्यकता होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहा जाता है। जैसा कि आप भारत देश में रहते हैं तो भारत की जो वायु एयरफोर्स है वो भारत की सीमा में ही, जो वायुसेना है उसमें ही जा सकती है, उसके दूसरे राज्य में या दूसरे देश में जाने के लिए उसे परमिशन की आवश्यकता होती है। समुद्र है, समुद्र में भी सीमा रेखा विभाजन है, तो जब भारत की जो समुद्र सीमा है वहाँ तक भारतीय कानून लागू होता है, और उस सीमा के बाहर जाते ही जिस देश में वो सीमा आती है समुद्र की, तो वहाँ पर उस देश के कानूनों को का पालन करना पड़ता है। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी अध्ययन किया जाता है। अगला जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिनमें UNO है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, SAARC है, आसियान है, NATO है, OPEC समूह है, G7, विश्व व्यापार मंडल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि। इन सब का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार कार्य करते हैं, क्या हैं, कैसे नहीं हैं। अगला जो पॉइंट है वो है राजनयन। जो प्रत्येक देश की क्या होती है, अपनी अपनी एक विदेश नीति होती है, तो उस पारस्परिक संबंध जो विदेश नीति है उस वो सारा राजनयन पर ही निर्भर करती है। इसलिए इसमें जो राजनयन है
उसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्षेत्र है वो कंप्लीट होता है। इसके पश्चात अगली क्लास में हम राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे।